सभी को नमस्कार। इस पार्सल को अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। तो अमेज़ोन से मंगवाया मैंने ये पार्सल, और काफ़ी सिंपलिस्टिक पैकेजिंग है। आई थिंक इजीली खुल जाएगा ये, ज़्यादा कुछ कर सीधे बुक्स इसमें रखी हुई हैं, हाँ विदाउट एनी बबल रैप हो रही है। ठीक है, ये मोटा गत्ता जो है काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाता है। तो देख लेते हैं कौन सी बुक्स आई हैं। कुछ चाचा चौधरी वगैरह की बुक्स मैंने मंगवाई हैं, काफ़ी टाइम हो गया था ऐसी बुक्स को देखे हुए। अच्छी डील मिल रही थी अमेज़ोन पे, तो मैंने कहा इनको मंगवाते हैं। और वही हमारा जो जय हैं, जोसफ हैं, तो वो भी मंगवाते रहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो एक्चुअली हुआ यही था कि जोसफ भाई ने कुछ एक अच्छी सी डील की इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी और मैंने ऑर्डर कर दिया था। उसके बाद फ्री शिपिंग का चक्कर में मैंने कुछ और ऐड करी, फिर और ऐड कर लिया, ऐसा करके काफ़ी हो गई। तो ये प्राण का इनका आर्टवर्क है, ठीक है। पुरानी जो डायमंड कॉमिक्स थी, शायद उनमें से डायमंड टून्स करके, डायमंड कॉमिक्स और डायमंड टून्स कुछ अलग अलग कंपनी हो गई है। तो ये कुछ 100-100 रुपये इन पर लिखा हुआ है यार, लेकिन जो है इनके पेज तो खैर अच्छे हैं, पेज बढ़िया हैं। 35-40 पेज की बुक है, 100 रुपये काफ़ी ज़्यादा रेट है उस हिसाब से। अगर मैं राज कॉमिक्स से रिप्रिंट की बात करूँ, क्योंकि ये भी रिप्रिंट की श्रेणी में आएंगे अगर पुराने रिप्रिंट है तो। खैर जो भी इनका थोड़ा ये तो प्राण जी का नहीं आर्टवर्क, नरेंद्र मोदी जी वगैरह से बने हुए हैं, सफाई अभियान या कुछ होगा, स्पेस यात्रा तो, पर उनसे मिलता जुलता आर्टवर्क है। बिल्लू और फिशिंग, बिल्लू और अच्छे कवर, काफ़ी ग्लोसी और अच्छे हैं, लेकिन अंदर सिंपल साइज है। अंदर कोई एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, और इसमें सीधा सीधा जो है बिल्लू की किसी पुराने कॉमिक को रिप्रिंट कर दिया गया है। और हमको पता है कि पहले जो कॉमिक्स आती थी उनका जो शेप वगैरह अलग होता था, तो बड़ा ऊटपटांग लग रहा है ये प्रिंट किया हुआ। ऐसा लग रहा है कि हम बच्चों ने उन्हें खुद ने अपने प्रिंटर से प्रिंट कर लिया हो। चाचा चौधरी गंगा डॉल्फिन, ये थोड़ा ठीक है। ये प्राण, ये तो उनका ही आर्टवर्क है, खाली ड्री कलर किया हुआ है इसको, ये उनका नहीं है। मतलब कुछ है नया कुछ पुराना, ऐसा कुछ ऐसे गंगा डॉल्फिन है, ये जो है नया आर्टवर्क है। जो हमारे प्राण जी थे, प्राण एक ज़्यादा शब्द मेरे अच्छा लगता है, प्राण ही बोलूँगा मैं, पद्मश्री प्राण। तो प्राण का आर्टवर्क है इनमें, देखिए ये प्राण का आर्टवर्क, और ये मैंने देखा हुआ है। तो ये ब्लेंड कर करके इसको बुनाया जा रहा है, मतलब ये एक अच्छी चीज़ लगी। वाह, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगा ये अप्रोच कि एक नया आर्ट दे दिया, कुछ पुरानी स्टोरीज दे दी और ऐसा कुछ कर दिया, तो अच्छा है। चाचा चौधरी अच्छे करेक्टर, अच्छा मज़ा आ रहा है, और इसमें अंदर प्रिंट है तो अच्छा लग रहा है। ये मुझे देखनी थी राका का आतंक, ये पेपर बैक में भी थी और हार्ड बाउंड में भी। हार्ड बाउंड 200 रुपये की है ये, और ओह मरवा दिया यार, 200 नहीं 300 रुपये की हार्ड बाउंड, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। किताब बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैंने दूसरी आपको दिखाई, 40 तो नहीं, इसमें थोड़े ज़्यादा पेज लग रहे हैं। हाँ वही 44-45 पेज हैं, कुछ 50 मान लेते हैं कुछ, वैसे इसकी मतलब जैसा हमने पहले बुक देखी थी वैसी है। पर हार्ड बाउंड अच्छा है, जैसे आपको हवालदार बहादुर के जो हार्ड बाउंड कॉमिक्स आए थे वैसा आपको लगेगा। पर 300 रुपये फिर भी बहुत ज़्यादा है। राका नाम देख करके मेरा मन हुआ कि मैं इसको मंगवाऊँ, और मैंने इसको मंगवाया भी। और राका का जो आतंक है वो इनमें, इसमें प्राण का आर्टवर्क नहीं लग रहा है, वही होगा कि एक में प्राण का होगा, आर्टवर्क में नहीं होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इतना कुछ। अच्छा, राका की स्टोरी की खासियत ये होती है काफ़ी लंबी जाती है स्टोरी, वो आई थिंक ये पूरे में ही राका का आतंक वाला है, तो अच्छी बात है। चलो ठीक है, देखेंगे इसको। फिर भी इसका हार्डबाउंड अच्छा लगा मुझे। पर और ये है फोन भूत, ये एक मूवी आई थी, बिल्कुल वैसा का वैसा ही हार्डबाउंड है। समझ नहीं आता इस पर 300 रुपये लिखा हुआ है, इस पर 200 रुपये लिखा हुआ है, क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, पेज में कोई डिफरेंस नहीं है, किस हिसाब से प्राइसिंग होती है। राज कॉमिक्स में एटलीस्ट कुछ समझ में आता है, जैसा भी वो देते हैं समझ में आता है, और कॉमिक्स में समझ नहीं आता। ऐसे मंगवा ली बस, ये सब लोग मंगवा ली। ये भी नया आर्ट लग रहा है, इतना कुछ खास नहीं। फ़ोन बूथ जो फिल्म आई थी उससे कुछ प्रेरित कुछ इसमें होगा, जैसे मिस्टर एक्स वाली भी मैं देख रही थी, हालांकि वो मैंने मंगवाई नहीं थी, जय ने मंगवाई थी शायद, वो मैंने वो नहीं मंगवाई थी। तो ये इस तरीके की कुछ हैं कॉमिक्स, इतना कुछ इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, बट ठीक है। मतलब एक चाचा चौधरी, क्योंकि पुरानी डायमंड कॉमिक्स तो बढ़ने मिलनी बड़ी मुश्किल होती है। तो दो मैंने हार्डबाउंड मंगवाई है, फ़ोन बूथ और राका का आतंक। फ़ोन बूथ 199 की है, राका का आतंक 299 की है, और अंदर कुछ इतना स्टैंडर्ड लगा नहीं है, कुछ ग्लोस वगैरह लगा नहीं, पेज समय घुमा फिरा के अभी 50 के आसपास पेज है। और ये अच्छी डील रही, ये काफ़ी सस्ती मिली है अगर हम इन हार्डबाउंड से कंपेयर करें तो। 100-100 रुपये की रेट थे हाफ, ठीक। इनका भी कुछ चक्कर है कि ये साइज़ का भी डिफरेंस है। तो ये जो है
इन सब मैंने आपको दिखाया, यह है बुलेट बैंक रॉबरी, वैसे ही है, नए आर्ट हैं। अच्छा पूरा ही नया आर्ट, नरेंद्र मोदी जी के बड़ा अच्छा अपीयरेंस वगैरह देखेंगे। चलो मैं एक एक करके नाम दिखाया था, गंगा डॉल्फिन, पहले रैंडम सा था कुछ, बिल्लू और फिशिंग, ये तो बिल्कुल पुरानी डायमंड कॉमिक्स पर ये कलर करके वोट बनाए साइज में दे दिया है। स्पेस यात्रा ये मैंने पहले भी दिखाई थी, मोदी जी का काफ़ी अपीयरेंस है इनमें। किडनेपिंग, किसी किडनेपिंग है ये पुराना आर्ट है, ठीक है अच्छी बात है, अलग फॉर्मेट में देने की कोशिश करें, पर थोड़ा उस पर वर्क करने की ज़रूरत होती है अलग फॉर्मेट। तो जैसे राजकुमार और संजय गुप्ता जी अलग फॉर्मेट निकालते हैं तो वर्क लगता है ऐसा। ये देखिए कंप्यूटर वायरस, पिंकी वगैरह, ये तो पुराना ही आर्ट है, रिकलर्ड किया हुआ, अच्छी बात है जो रिकलर्ड किया। और ये कौन सा है, गैंग वार, बहुत महंगी है, 200-200 रुपये रेट होनी चाहिए गेम की। चलिए ये भी पुराना आर्ट है, रिकलर किया हुआ है। तो इसी के साथ इससे अनबॉक्सिंग एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आई होगी, अंत तक बने रहने के लिए और सपोर्ट के लिए सभी को धन्यवाद करता हूँ, मिलते हैं किसी और वीडियो में।